हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें पास में एक बेल का बटन दिया हुआ सब्सक्राइब के जस्ट पास में, तो प्लीज़ उसको क्लिक करना ना भूलें जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए, आप लोगों की डिमांड पर आज हम लेके आए हैं इंग्लिश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में एक पार्ट जो कि बहुत क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है और जो 8 से 10 मार्क्स आपके कंटेन करता ही है। हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, या फिर हम बात कर सकते हैं अनसीन पैसेज की। अब हम बात करते हैं अनसीन पैसेज होता क्या है। जैसे ही आप इंग्लिश का पेपर देखते होंगे तो आपको एक पैराग्राफ दिया रहता हुआ इंग्लिश में, उसमें आपको 2 से 3 एक स्टोरी या फिर कुछ दिया रहता है, उसमें आपको 2 से 3 पैराग्राफ दिए रहते हैं। जनरली होता क्या है कि जब हम वो 3 पैराग्राफ देखते हैं इंग्लिश के तो हम ऑलरेडी डिमोनेटाइज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप पैराग्राफ इतनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आप पैराग्राफ से डरना भूल जाएंगे और इंग्लिश में आप अच्छे मार्क्स कंटेन कर सकते हैं। मैं आपको बस थोड़ी सी टिप्स दूंगी, अगर जिनको आपने फॉलो कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप अनसीन पैसेज पूरा सॉल्व करके आएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं अनसीन पैसेज की। हमने बात की जिसमें मैंने आपको बताया इसमें 2 से 3 पैराग्राफ होते हैं और पैराग्राफ के बाद में आपको 8 से 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं। जो क्वेश्चन इस पैराग्राफ से ही रिलेटेड होते हैं बस हमें उन क्वेश्चन को पढ़ना रहता है और आंसर देने रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारी फर्स्ट टिप की। हमारी फर्स्ट टिप है क्या, हमारी फर्स्ट टिप क्या है, जैसे ही आपको एग्जाम में पैसेज दिखे आप पैसेज को भूल जाइए। आप सबसे पहले जाइए उसके क्वेश्चंस पे, जितने भी क्वेश्चन दिए आप पहले सारे क्वेश्चंस पढ़िए। तो हमारी फर्स्ट टिप क्या है, रीड दी क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले क्या करिए, आप क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस को पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा, क्वेश्चन से पढ़ने से जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें एक आइडिया लगेगा कि पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है, तो उससे हमें पैसेज इजी हो जाएगा पढ़ना। उसके बाद दूसरा काम आप ये कीजिए कि पैसेज जो क्वेश्चन है उससे कीवर्ड्स नोट कीजिए। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमें हमारे में एक क्वेश्चन दिया है, रमन बिलोंग्स टू विच कमेटी। हमें ये क्वेश्चन दिया है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें क्वेश्चन मिला रमन बिलोंग्स टू विच कमेटी। तो आप क्या कीजिए, कोई भी कीवर्ड्स जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मान लीजिए मुझे लगा बिलोंग्स, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया बिलोंग्स, जिसको मैं हम क्या करेंगे एक जगह नोट कर लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बिलोंग्स दिया था तो हमने बिलोंग्स नोट कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको पैसेज पढ़ना नहीं है, इसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। तो हमारा तीसरा टिप क्या है, हमारी रीड पैसेज। जब हम यहाँ से कीवर्ड नोट कर चुके होंगे फिर अब जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये कीवर्ड्स स्टोर हो जाएंगे। फिर जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो जहाँ भी हमें ये कीवर्ड्स दिखेंगे हम वहीं पर रुक जाएंगे, या फिर जब हम किसी चीज को ढूंढते हुए पढ़ते हैं तो हम उस पर कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाते हैं। तो जैसे ही आपको बिलोंग्स दिखा किस पैसेज में, मान लीजिए आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बिलोंग्स दिख गया, आपको बिलोंग्स दिखा वहीं रुक जाइए बिलोंग्स पे। फिर आप अपने क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये चीज पूछी गई थी, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाइए और वहां पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा और आप इमीडिएटली उसको टिक कर दीजिए। इससे कि क्या हुआ, इससे आपको 2 फायदे हो गए। पहला, पैसेज पढ़ने के साथ साथ आपके क्वेश्चन पे आंसर भी देते जा रहे हैं आप। नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर हम पैसेज पहले पूरा पढ़ लेते हैं तो हम क्वेश्चन तक जाते जाते उसको भूल जाते हैं, या फिर हमने ऊपर का पहला पैरा पढ़ लिया, हम दूसरे पैरा तक आए तो हम ऊपर पहले पैरा की
कुछ बातें भूल रहे हैं, ऐसे क्या होगा, आप कुछ भूलेंगे नहीं और आप सही एक्यूरेट आंसर लगा के आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी टेक्निक अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो हम आपको उस टॉपिक के बारे में जरूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और आज से हम आपको इंग्लिश के डेली वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हाँ, इसमें हम आपको डेली 5 मीनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होता है कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन में 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के मिलते हैं, मतलब अनुलोम विलोम के। तो उससे क्या होता है, जहाँ हम आपको मीनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको 5 मीनिंग देंगे, हम उसके आपको सिनोनियम्स बताएंगे, हम उसके आपको एंटोनियम्स बताएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है तो अगर आप हमारा डेली वोकैब वाला देखेंगे तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको उनके आंसर पता होंगे, तो आप इमीडिएटली उनको टिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल की बटन दबाना ना भूलें। सो थैंक यू दोस्तों।